चल रही है इस तरफ, और यहाँ पर ये देखिए नॉक निकला है अभी अभी, और यहाँ पर 15 के उन्होंने घुसकर एक किल निकाल दी 77 के सामने, बिल्कुल खड़े खड़े शॉट ले, 83 बिल्कुल सामने है। सो रॉयल किचकालीकर जो है टीम 23 के नॉक कर दिए गए हैं, और 23 जी हाँ रॉयल किचकालीकर टीम ही है जो वहाँ से फॉल बैक करके पीछे की तरफ आ रही थी, टीम 15 से फाइट नहीं ली थी, उस पर कर दी है शेडो ने चढ़ाई। तो शेडो ने चढ़ाई की है, तो शेडो में फटाफट जाके देखते हैं, और यहाँ पर एक और बंदे को नॉक किया शेडो एरर ने अभी। शेडो एरर आज फुल मूड में नजर आ रहे हैं, एम ऑनिक्स अभी बहुत पीछे हैं, अनमोल भी थोड़ा पीछे हैं, सो एरर के पास ही वापस चलते हैं। एरर ने अकेले फाइट लेने की ठान ली है, यहाँ पर आगे घूमकर आ गए, और सो यहाँ पर 17 आ रहे हैं, नूब बॉय को फिनिश कर दिया है यहाँ पर हेल्स ओरन ने, और प्राइम ने न्यूक्लिया को फिनिश कर दिया 98, जैसे इन्होंने उस सोलो मैच में मस्त अपना कमाल दिखाया था वही कमाल यहाँ पर दिखा रहे हैं किंग एम्बर। सो किंग एम्बर अभी भी शॉट्स ले रहे हैं टीम नंबर 22 के ऊपर, टीम नंबर 22 अभी मैंने आपको दिखाया था, उनको कोई पता नहीं था एम वॉरियर को कि सामने किंग एम्बर की टीम है, और पीछे से ये लोग आ रहे थे और पलट कर किंग्स की टीम ने इन पर वार कर दिया है। देखते हैं इनके आरएल वंश क्या कर रहे हैं, आरएल वंश गाड़ी लेके किंग एम्बर, नहीं ये तो 19 है, पीबीएक्स जीत पे भी शॉट आए हैं अभी अभी गाड़ी पे चलते हुए, इनके पर पीछे से शॉट्स आए थे, पीबीएक्स जीत जो है वो नॉक हो गए हैं। सो विक्रम भान सिंह की किल निकल गई है अभी अभी, तो पीबीएक्स के ऊपर पीछे से निकल गई है, शेडो नियो की किल निकल गई है। सो यहाँ पर देखें फाइट या दूसरी जगह जाएं, सो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेडो आइंस्टाइन ने बीस्ट अंशु को, तो शेडो की ये जो हेल्स की टीम है इन्होंने यहाँ पर कर रखा है, हेल्स भाई ने करण शाह को, यहाँ पर अभी भी हमारे नीचे नेड आया है और एक और नेड आया है स्मोक के अंदर, और किल निकाल दी है बिल्कुल, बीबीएक्स जीत को अभी फिनिश कर दिया है, शेडो आइंस्टाइन को वहाँ पर डिस्ट्रॉय ने फिनिश किया। नंबर 14 के ने 22 के ऊपर अभी भी शॉट्स लिए, सो टीम नंबर 22 के पास वापस चलते हैं, और टीम जो हैं वो नहीं, सारे के सारे लोग इंटैक्ट हैं सेम, और यहाँ पर बिल्कुल हेल्स की फिर से फाइट चल रही है, और ये फाइट मेरे ख्याल से थ्री वे क्या है, चारों तरफ से फाइट हो रही है, यहाँ पर शेडो अनमोल को निकाल दिया है, एम ओनिक्स को शेडो के ऊपर भी, ओफ ओ हेल ने आज हेल भर पा रखा है, ओनिक्स को निकाल दिया है, इनका एक बंदा नॉक हो चुका है अभी, डीपी की रिवाइव चल रहा है, डीएल लॉर्ड को रिवाइव मिल दिया जा रहा है यहाँ पर अभी, और हम देखते हैं कि इनके ऊपर किया किसने था अटैक। यहाँ पर सामने से 18 की जो टीम है हमारी टीम नंबर बादशाह ने, नीरज बादशाह और एरिस चार्ली, यहाँ पर बराबर नेट की बारिश हो चुकी है डीएनई के ऊपर। सो डीएनई स्पोर्ट्स ने अभी अभी यहाँ पर नेट्स की बारिश आप देख रहे हैं, ये नेट तो नहीं गलत जगह गया, ये रॉक ऊपर आ रहा है, ग्रेफिटी ऑन टॉप ऑफ की किल निकाल दी, अरे यार ग्रेफिटी भी गई आज, तो शेटी किंग्स की किल निकाल दी, आज लगता है ग्रेफिटी का सबके ग्रह खराब है, और बीस्ट अंशु ने यहाँ पर किल निकाल दी है, और यहाँ पर नेट्स की बारिश चल रही है, हमें इसे छोड़कर जाना चाहिए, पीछे से हेल्स भी क्लोज इन कर रही है अगर आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, और ऊपर भी एक प्ले जोन से बीस्ट अभी नॉक हो गए हैं अभी अभी, और तो बीस्ट की टीम में प्ले जोन से आशीष नॉक हो गए हैं। एमटीएक्स अस्कल ने वॉरियर की किल निकाल दी है, फटाफट हम आई एम वॉरियर पे मूव करते हैं टीम नंबर 22 पर, और देखते हैं कि वहाँ पर ग्रेफिटी के वैम्पायर ने किल निकाली है। सो पहले ग्रेफिटी के पास चलते हैं, ग्रेफिटी के वैम्पायर ने अभी अभी यहाँ पर किल निकाली है, और इनकी फाइट चल रही है यहाँ पर प्ले जोन से पी के 17 मुंबई चले गए, सो प्रिजन के आसपास ऊपर और नीचे दोनों तरफ फाइट्स चल रही हैं, और बीस्ट अभी जो है वो गिरकर अभी भी खत्म हो गए हैं। तो ये फाइट जो है वो यहीं पर चल रही है, पीछे बीस्ट अंशु मुझे अभी भी नजर आ रहे हैं, सो बीस्ट की एक टीम के भी अंशु भी प्ले जोन से चले गए, सो मूवमेंट की प्रॉब्लम थी यहाँ पर, मूव नहीं हुए टाइम से, और बीस्ट की टीम के भी कई सारे प्लेयर्स को खोना पड़ा। अभी भी 6 टीम्स हैं, आपको दिख रहा होगा टीम नंबर 18 ग्रेफिटी सोल टेकर ने डीएनबीस के ऊपर शॉट्स लेकर किल निकाली है, बहुत अच्छा प्रदर्शन गेम का, टीम नंबर 14 के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं डीपी से। सो टीम नंबर 14 इज आर कैंपियर्स, तो कैंपियर्स के ऊपर शॉट ले रहे थे, यहाँ पर टीम 13 भी सामने नजर आ रही है, हेल्स अब टीम नंबर 13 के ऊपर भी शॉट ले रही है, उधर 14 है इधर 13 है, 13 जो है वो ग्रेफिटी है, और ग्रेफिटी के ऊपर भी हेल्स शॉट ले रहे थे, 11 वैम्पायर भैया ने आज खून चख लिया है और हेल्स का खून चखा है, तो जो टीम अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी उस टीम, देखते हैं कि बाकी की टीम्स हमारी कहाँ पर हैं। सो यहाँ पर बिल्कुल शॉट्स आ गए अभी अभी 14 की टीम के ऊपर जो मूव इन कर रहे थे, और सोल हैंगर ने डीएल लॉर्ड की निकाल दी,
एस और डीएनई स्पोर्ट्स। यहाँ पर नीरज बादशाह जो है मुझे बैकग्राउंड में नजर आए, नीरज बादशाह की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर डीएनई की टीम भी लगभग खत्म होने पे आ गई, कई लोग नॉक हो गए। तो यहाँ पर डीएन लॉर्ड है अभी भी बचने की कोशिश कर रहे हैं जोन में। सोल हंगर को देखा था आपने, उस पर शॉट लेते हुए प्ले जोन से खत्म हो गए। यहाँ पर सोल हंगर के ऊपर एक सनसनाता हुआ शॉट आया और प्राइमो ने हंग ने किल निकाल दी। सो अभी भी तीन टीम्स हैं और प्राइम हेल्प प्राइम ने कहर बरपा रखा है चारों तरफ। 12 किल्स निकाल चुके हैं भाई, 12 किल्स। सो आप समझ रहे हो, आज गेम देख रहे हो आप हेल्थ प्राइम का कितना ज़बरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं क्या कहते हैं किल्स का कोई प्राइज नहीं होता फ्री एंट्री टूर्नामेंट में, वरना मुझे हेल गार्जियन ने लूट लिया था। फ्लैंक करते नजर आ रहे हैं और फ्लैंक करते हुए सीधे 14 के पास चले गए और यहाँ पर नॉक हो गए डीएन लकी। सो डीएन लकी को नॉक कर दिया 14। तो कैंपियर्स और हेल गार्जियन ने अपना ऑसम गेम प्ले आज दिखाया है। 10 टीम किल्स अभी तक निकाल चुकी है टीम नंबर 14 कैंपियर्स भी। सो कैंपियर्स एंड ऑसम गेम प्ले। अभी भी सिर्फ एक व्यक्ति जो है डीएनई स्पोर्ट्स का बचा है जो कर रहे हैं, जो मुझे देखना नहीं है, वो कर रहे हैं एक्चुअली हील बैटल और उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि प्राइम का एक व्यक्ति और ख़त्म हो गया और तो अभी अभी और डीएन डेविल जो है प्ले जोन से ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि अब सिर्फ दो टीम्स बची हैं और अब हेल जीतती है या कैंपियर्स। मुझे लगता है कैंपियर्स ने बाजी आफ्टर ऑल मार दी क्योंकि वो ब्लास्ट हुआ जो गाड़ी का उससे ख़त्म हो गए प्राइम। बिल्कुल प्राइम तो दो नंबर पे आई है हेल्स गार्जियन, लेकिन एक नंबर जैसा काम किया है बाय गॉड।